डयर अस्सलाम वालेकुम आज इस पारं धूरम फंडामेंटल राइट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन यानी मजहबी आज़ादी का हक ड स्टूडेंट्स हमारे आयीन के मुताबिक हर शखस को अपनी मर्जी के मुताबिक मजहब की पैरवी करने की आज़ादी हासिल है दिस फ्रीडम इज़ कंसिडर्ड एज ए हॉल मार्क ऑफ डेमोक्रेसी यानी ये आज़ादी जमहूरीत के लिए मोहर तस्दीक मानी जाती है तारीख़ी एतबार से दुनिया के मुख्त मुमालिक, दुनिया के मुख्तफ़ हिस्सों में ऐसे हुकुमरान और शहनशाह रहे हैं जो अपने मुल्क के बाद बाशिंदों को मजहबी आज़ादी नहीं देते दे थे अगर उनका मजहब हुकुमरान के मज़हब से अलग होता तो उनके ख़िलाफ़ मुकदमात चलाए जाते या उनको मजबूर किया जाता कि वह भी हुक्मरान का मजहब इख्तियार करें दियरफोर डेमोक्रेसी हैज़ ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड द फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वन चॉइस एज वन ऑफ इट बेसिक प्रिंसिपल हमेशा से ही जमहूरीत ने हक आज़ादी मजहब को एक असूल के तौर पर शामिल किया है फ्रीडम ऑफ फेथ एंड वर्शिप मजहब और इबादत की आज़ादी हिंदुस्तान में हर शखस को अपनी मर्जी के मुताबिक मजहब इख्तियार करने और उसकी पैरवी करने की आज़ादी है फ्रीडम ऑफ रिलीजन आल्सो इंक्लूड्स द फ्रीडम ऑफ कॉन्शंस दिस मीन्स दैट ए पर्सन मे चूज एनी रिलीजन और मे चूज़ नॉट टू फॉलो एनी रिलीजन यानि आज़ाद मजहब में ज़मीर की आज़ादी भी शामिल है इसके मानी ये हैं कि हर शखस अपनी मर्जी से मज़हब इख्तियार करने के लिए आज़ाद है इसी तरह दूसरा शखस किसी मज़हब को न मानने के लिए भी आज़ाद है आज़ाद मजहब में मजहब की तबलीग उस इसकी पैरवी और इशात की आजादी भी शामिल है फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड्स द फ्रीडम टू प्रोफेस फॉलो एंड प्रोपेगेट एनी रिलिजन फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट एन अनलिमिटेड राइट द गवर्मेंट कैन इंटरफियर इन रिलीजस मैटर्स ऑफ रू ऑफ फॉर रूटिंग सर्टन सोशल इवल्स आज़ाद ये मजहब एक लामा मह, लामहदूद हक नहीं बैज़ माशरती बुराइयों को जड़ से उकाड़ फेंकने के लिए हुकूमत मजहबी मज़हबी मा, मामलत में दखल अंदाजी कर सकती है मिसाल के तौर पर माजी में हुकूमत ने सत्ती एक से ज़्यादा शादी और इंसानी कुर्बानी जैसी माशरती बुराइयों को दूर करने के लिए इकदाम उठाए हैं सच रेस्ट्रिक्शन कैन नाट बी अपोज़ड इन द नेम ऑफ इंटरफरेंस इन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी इस तरह की पाबंदियों की मुखालफत महज आज़ादी मजहब में दखल अंदाजी के नाम पर नहीं की जा सकती जब हुकूमत किसी मजहबी जमात की बैस सरगर्मियों पर पाबंदी लगाना चाहती है तो इस मजहब के लोग इस अमल को अपने मजहब में मुदाखलत समझते हैं पीपल that of religion feel that this is interference in the religion ये बात याद रखनी चाहिए कि मजहब की इशात का हक दूसरे मजाहिब के पैरोकारों को ज़बरदस्ती तबजीलिय मजहब पर मजबूर का नाम नहीं आइन जबरदस्ती तब्दीलिया मज़हब की इजाज़त नहीं देता यह हमको सिर्फ अपने मजहब के बारे में इतलाआत की नशर वशात की इजाज़त देता है द द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ फोर्सिबल कन्वर्जन इट ओनली गिव्स अस द राइट टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर रिलीजन एंड दस अट्रैक्ट अदर्स टू इट इक्वाली ऑफ ऑल रिलिजन्स तमाम महब में मसावत वह मुल्क जो बहुत से रिलिज रिलीजन्स का मस्कन हो वहाँ ये ज़रूरी होता है हो जाता है कि तमाम मजाहब के तई मसावी सलूक किया जाए इट मीनस डैट गवर्नमेंट विल नाट फेवर एनी पर्टिक्यूलर रिलीजन इट डज़ नाट हैव एनी ऑफिशल रिलीजन जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान एक सिक्युलर मुल्क है इसका मतलब यह है कि हुकूमत किसी मखसूस मजहब की हमायत नहीं करेगी हिंदुस्तान का कोई सरकारी मजहब नहीं है मुल्क का सदर वजीर अजम या कोई भी अहदेदार बनने के लिए किसी मखसूस मजहब का पैरोकार होना ज़रूरी नहीं आ, नहीं है हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इदारे किसी मजहब की तब्लीग नहीं करेंगे न किसी मजहब की तालीम देंगे और न किसी मजहब के पैरकारों की हिमायत करेंगे द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोविजन इज़ टू सस्टेन एंड नर्चर द प्रिंसिपल ऑफ सिक्युलर इन इन दफात का मकसद सिक्युलर के असूलों को कायम करना और फ़रोग देना है last, aspect of you to him, important point is be um note. religion is a matter of faith, related to conscience of a person. citizens are free to adopt any religion. citizens can opt any mode of worship as per choice. citizens are free to manage their own religious affairs. थैंक यू असल